भूतिया ट्रेन, जलपरियां और भूतिया उल्लू। ब्लारा जंक्शन रेलवे स्टेशन से होकर जाने वाली नीलम एक्सप्रेस आज अपने टाइम के हिसाब से 5 घंटे लेट चल रही थी, जिसकी वजह से उसको फ्लाईओवर तक पहुंचते हुए रात हो गई थी। वैसे तो वो ट्रेन रोजाना दिन में ही उस फ्लाईओवर से गुजरा करती थी, लेकिन आज ऐसा कई सालों बाद हो रहा था कि रात के समय वो वहां से गुजर रही थी। और ये फ्लाईओवर समुद्र के ऊपर से होकर जाता था, जिसकी खूबसूरती आज रात में देखकर ट्रेन में बैठे यात्री खुश हो रहे थे। अच्छा हुआ आज ये ट्रेन लेट हो गई, वरना हमें तो पता ही नहीं था कि रात में नजारा इतना खूबसूरत लगता है। बाहर देखो कितना अच्छा मौसम है, हल्की हल्की चांदनी और फिर टिमटिमाते हुए तारे और ये पानी के ऊपर से होकर आती सुगंधित हवा, सब मिलकर कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। ये सुनकर एक बूढ़ी औरत उन लोगों को बोलती है, तुम लोगों को ये नजारा सुहाना लग रहा है, लेकिन मुझे तो इस वक्त बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं वो ना हो जाए जो 1.5 साल पहले हुआ था। उस दिन भी इसी तरह ट्रेन लेट होने की वजह से रात के समय यहाँ से गुजर रही थी। तभी दो दोस्त अमन और रजत बोलते हैं, अम्मा जी कैसा डर, आपको किस बात का डर है, आपने तो जिंदगी के सारे मजे ले लिए, मुझे देखिए मैं अभी तक कुंवारा हूँ। भाई कुआरा तो मैं भी हूँ, देख सब दोस्तों की शादी हो गई, बस तू और मैं ही तड़प रहे हैं शादी का लड्डू खाने के लिए। वैसे अम्मा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए उस रात हुआ क्या था जिसके बारे में सोचकर आप इतना डर रही हैं? बेटा तुम इस पुल के बारे में नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। कहा जाता है कि इस पुल के ऊपर चुड़ैलों का साया है, जो कि रात के समय ही लोगों पर हमला करती है। नहीं अम्मा जी, ये पुल कौन सा भूतिया पुल है जो आप ऐसे डर रही हो? भाई भूतिया पुल भी हो तो मुझे तो बस कोई सुंदर सी चुड़ैल ही मिल जाए, मैं तो उसी से ही शादी कर लूंगा। वैसे अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो अभी तक तो हमला हो चुका होता। वो यात्री इतना कह ही पाता कि तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है और पटरियां और ट्रेन के डिब्बे हिलने लगते हैं। ये क्या, अचानक चलती ट्रेन कैसे रुक गई और सब डिब्बे इतने हिल क्यों रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो पहले ही बोला था कि रात के समय यहाँ पर खतरा है, इस पुल के ऊपर चुड़ैलों का वास है। ओ भाई अब मेरी चुड़ैल रानी आएगी और मैं उससे शादी करूँगा। भाई अब मुझे भी डर लग रहा है, तू मजाक बंद कर। अरे तुम लोग मजाक समझ रहे हो, पर मैं सच बोल रही हूँ। अम्मा जी अब आप बार बार ऐसे बोलकर हम सबको डराओ मत। तभी लोग बाहर देखते हैं तो वहाँ कुछ डरावनी दिखने वाली चुड़ैलें ट्रेन के आसपास उड़ती हुई नजर आ रही थीं, और फिर थोड़ी देर के बाद वो ट्रेन के कई डिब्बों में घुस जाती हैं। मरोगे, सबके सब मरोगे, आज तुम लोगों की मौत तय है। आज तो पेट भर कर खाना मिलेगा, सालों बाद कोई ट्रेन रात में हमारे पुल पर आई है। ये क्या हो रहा है, कौन है ये सब? अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि इस पुल के ऊपर चुड़ैलों का वास है। भाई देख ये कैसी डरावनी चुड़ैल है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो हमारे बच्चे कैसे होंगे, इंसान या भूत? बस कर यार, तुझे अब भी मजाक सूझ रहा है। हे भगवान अब पता नहीं हमारी रक्षा कैसे होगी, अम्मा कोई तो तरीका होगा जिससे हमारी रक्षा हो सके। बेटा पहले भी ऐसा किस्सा हुआ था, तब समुद्री जलपरियों ने लोगों को बचाया था, लेकिन समुद्री जलपरियों तक पहुंचा कैसे जाए ये कोई नहीं जानता। अम्मा कोई तो रास्ता होगा जिससे हम बच पाएंगे। पायलट भी ट्रेन में नहीं था, उसकी जगह भी एक चुड़ैल बैठी थी, फिर वो अपनी गर्दन पीछे घुमाकर बोलती है, मरोगे तुम सबके सब मरोगे, ये तुम्हारी आखिरी यात्रा है। बाकी लोग चीख पुकार रहे थे, तभी उन्होंने कुल्लू देखा जिसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी, वो ट्रेन के आसपास उड़ रहा था। फिर वो अचानक से ट्रेन में घुसा और बोला, ये ट्रेन रात के समय यहाँ क्यों आई, यहाँ चुड़ैल रात में बहुत ताकतवर होती हैं। अब हमें इन चुड़ैलों से कौन बचा सकता है?
तभी भूतिया उल्लू बोलता है, फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ इनसे निपटने की। ये सुनकर एक चुड़ैल हंसते हुए बोली, तू क्या इनको बचाएगा, भाग जा वरना तू भी मारा जाएगा। तुम अगर चुड़ैल हो तो मुझे भी पिशाच देव से वरदान प्राप्त है और मैं भी एक भूतिया उल्लू हूँ। हैं? भूतिया उल्लू? चला जा वरना तू भी मारा जाएगा। अगर हिम्मत है तो हमला करो। ये सुनकर एक चुड़ैल अपनी उंगली उल्लू की तरफ दिखाती है, जिससे एक हरी रोशनी निकलकर उल्लू से टकराती है, लेकिन उल्लू का उस पर कोई असर नहीं होता और वो अपनी आंखों से एक नीली रोशनी छोड़ता है, जिसके हमले से एक चुड़ैल चिल्लाती हुई ट्रेन के बाहर गिर जाती है। देखा चुड़ैल, मैंने कहा था ना कि मुझे मार पाना संभव नहीं है। बहना, पहले इस उल्लू को मिलकर खत्म करो वरना ये हमें एक एक करके खत्म कर देगा। और सभी चुड़ैल मिलकर एक साथ उल्लू पर हमला करती हैं और वो घायल होकर ट्रेन से बाहर समुद्र में गिर जाता है। लेकिन जब वो समुद्र में गिरता है तो नीचे पताल लोक तक पहुंच जाता है, जहां कुछ जलपरियां होती हैं। भूतिया उल्लू, तुम यहां कैसे आए? हमने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है। जलपरी, कुछ चुड़ैलों ने एक ट्रेन पर कब्जा कर लिया है और उसे भूतिया ट्रेन बना दिया है, और जब मैंने उन लोगों से लड़ना चाहा तो मैं उनसे लड़ नहीं सका। उन चुड़ैलों के पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई? हम सबको चलकर अभी उन्हें सबक सिखाना होगा। फिर सभी जलपरियाँ समुद्र के ऊपर आती हैं और अपना आकार बढ़ा करके चुड़ैल से कहती हैं, रुक जाओ चुड़ैलों, तुम्हें इस तरह लोगों को मारने का कोई हक नहीं है। ओ भाई, मेरा इरादा बदल गया, अब मुझे इन चुड़ैलों से नहीं इस जलपरी से शादी करनी है। देख तो सही कितनी सुंदर है। अरे भाई, यहाँ मरने वाले हैं और तुझे शादी की पड़ी है। तभी चुड़ैल जलपरी से कहती है, जलपरी, इस पुल को बनाने के लिए हमारे घरों को तबाह कर दिया गया था, उसके बाद हम लोग बेघर होकर मर गए और फिर चुड़ैल बन गए, इसीलिए हम इस पुल पर से गुजरने वाले हर इंसान को मारकर उससे अपना बदला लेते हैं। नहीं, इन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, इन्हें छोड़ दो। तो फिर ठीक है, अब तुम इनसे पहले मरोगी। फिर चुड़ैल और परियों में लड़ाई हो जाती है, दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से वार करती हैं और एक दूसरे को घायल कर देती हैं, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। लेकिन जब भूतिया उल्लू भी जलपरियों के साथ मिलकर चुड़ैलों पर हमला करता है तो चुड़ैलें एक एक करके खत्म होने लगती हैं। सभी पैसेंजर्स ये देखकर खुश हो जाते हैं और जब एक आखिरी चुड़ैल बचती है तो वो बोलती है, तुम जलपरियां इस उल्लू की सच्चाई नहीं जानती, ये बहुत चालाक है। जलपरियां उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उस पर एक साथ अपने हाथों से निकलती हुई शक्ति से हमला करती हैं और इस तरह आखिरी चुड़ैल भी खत्म हो जाती है। सभी यात्री खुश हो जाते हैं और ट्रेन में शोर होता है, जलपरी ने हमको बचा लिया, जलपरी की जय हो, जलपरी की जय हो। हाँ सच में भाई, जलपरी की जय हो। ये सब सुन जलपरियां खुश होती हैं और उल्लू को ट्रेन में छोड़कर वापस पानी में चली जाती हैं। उनके जाते ही उल्लू भयानक हंसी हंसने लगता है। कैसे मैंने जलपरियों को बेवकूफ बनाकर चुड़ैलों को मरवा दिया, अब तुम सब मेरा खाना हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनकर सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं, लेकिन तभी जलपरियां वापस आ जाती हैं। हमें तो शक था भूतिया उल्लू कि तुम भी अच्छे नहीं हो, अब तुम भी नहीं बचोगे। इतना कहकर जलपरियां मिलकर उल्लू पर वार करती हैं और वो चिल्लाता हुआ ट्रेन से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो किसी बम की तरह फटता है और वहीं खत्म हो जाता है। जलपरियों, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी जान बचाई, पर क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? तुम मुझे बहुत पसंद हो। इसको माफ करना जलपरिया, ये थोड़ा पागल है, हंसी मजाक करता रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस ट्रेन में कोई खतरा नहीं है, ये अब किसी भी टाइम इस पुल से होकर गुजर सकती है। और रजत, तुम्हारी शादी हमसे नहीं हो सकती, पर हाँ, जल्द ही तुम्हें एक अच्छी और सुंदर लड़की मिलेगी।
इतना कहकर जल परियां वापस पानी में चली जाती हैं और सभी यात्री खुश होकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं।